नमस्कार, मेट्रो सिटी समाचार के कोरोना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वसई विरार के लोगों के लिए आज अच्छी खबर है। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र जो पिछले 8 महीनों से कोरोना संक्रमण के जो बुरे दौर से गुजर रहा था, उनके लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि ये सिर्फ आज की खबर है, कल क्या होगा अभी नहीं पता है, लेकिन आपको बता दें वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण में आज बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। आज सक्रिय जो मामले मिले हैं सिर्फ 3 कोरोना केसेस पाए गए हैं। जी हां, सिर्फ 3 मामले पाए गए हैं। साथ ही अब जो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या है वो 27,386 जो कुल संख्या आज तक की है वो है। आज शहर में कोई मौत नहीं दर्ज हुई है। कुल मौतों का अब तक का आंकड़ा 828 पर है। आज कुल 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जो हॉस्पिटल से घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं, कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अभी तक कुल 26,156 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी शहर में 402 लोग सक्रिय मरीज हैं, कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज जिनका इलाज किया जा रहा है। आज जो मामले पाए गए हैं कुल 3 मामले, उनमें वसई से 2 मामले पाए गए हैं, जिनमें वसई पूर्व से 1 मामला और वसई पश्चिम से 1 मामला पाया गया है। नालासोपारा से आज कोई मामला पाया नहीं गया है। साथ ही नायगांव से भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। वसई से आज 2 मामले पाए गए हैं, जिनमें राजहंस क्षितिज टावर नामक बिल्डिंग है जिससे 1 मामला पाया गया है और जामुलपाड़ा से 1 मामला पाया गया है। विरार से आज 1 मामला पाया गया है, विरार के आगाशी रोड से यह मामला पाया गया है। तो दोस्तों, एक बड़ी जीत कही जा सकती है। अगर इसी तरीके से क्रम चलता रहा तो कोरोना मुक्त होने की तरफ वसई विरार आ चुका है। दूसरी बड़ी बात, लास्ट 3-4 दिनों में जो आपने भीड़ देखी थी मार्केट में, जिस तरीके से खरीदारी में लोग व्यस्त थे और कोरोना संक्रमण को भूल चुके थे और तमाम सारी असावधानियां देखी गई थी, वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं या किसी तरीके से वायलेशन कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने से लोग घरों में बैठे थे और पूरी तरीके से बोर हो चुके थे। उनके लिए दिवाली का त्यौहार एक खुशियों का त्यौहार, साल का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है, माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो सड़कों पर निकले हैं और निकल के वो अपनी खुशियाँ मनाएं, खरीदारी करें और परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। लेकिन उसी बीच में अगर उन्होंने कोरोना संक्रमण को भुलाया है तो आशंका है कि कल परसों नरसों में कुछ मामले बढ़ सकते हैं। लेकिन आशा कर रहे हैं कि मामले जो आज मिले हैं ऐसे ही मामले करके 1-2 दिन 3 दिन में कोरोना संक्रमण से वसई विरार मुक्त हो जाए। आप सभी सहयोग करिए, एक दूसरे को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए। अभी सरकार ने लॉकडाउन का जो बाकी जो लास्ट फेज था, अभी तो फिलहाल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन मंदिरों को आज खोल दिया गया है। आज काफ़ी उत्साह देखा गया लोगों में, मंदिरों को लेके लोग पूजा प्रार्थना किए और तमाम तरीके से खुशियां जताए और तमाम जो प्रार्थना स्थल है सभी धर्मों के उनको खोल दिया गया है, लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही अभी ट्रेनों के लिए जो सूचना आनी है वो अभी आनी बाकी है। आम इंसान ट्रेनों पे जाने के लिए, अपनी यात्रा करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए, आने जाने के लिए, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, अभी वो धड़कन शुरू नहीं हुई है। इससे काफ़ी लोगों को अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशा करते हैं आप लोग भी जहां हैं सुरक्षित रहें, कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करेंगे और निश्चित तौर पर वसई विरार या मुंबई महाराष्ट्र को जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त करेंगे।